प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव। अब हम प्रतिरोध पर तापमान के प्रभाव को समझेंगे। तापमान में परिवर्तन होने पर किसी भी सामग्री का प्रतिरोध प्रभावित होता है। प्रतिरोध में तापमान का प्रभाव सामग्री प्रकार पर निर्भर करता है। तापमान में वृद्धि के साथ साथ तांबा और एल्यूमीनियम जैसे सुचालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्योंकि इन धातुओं का प्रतिरोध भी तापमान में वृद्धि का प्रत्यक्ष अनुपातिक होता है। इसे प्रतिरोध का धनात्मक तापमान गुणांक भी कहते हैं। तापमान में वृद्धि के साथ साथ जर्मेनियम, सिलिकॉन जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स, अर्धचालक और शीशा, अभ्रक, रबड़ जैसे इंसुलेटर की प्रतिरोध क्षमता घट जाती है। सुचालक, इंसुलेटर और अर्धचालक ऐसे पदार्थ जिसके माध्यम से करंट प्रवाह अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को आसानी से सेट किया जा सकता है, उसे सुचालक कहते हैं। किसी पदार्थ की चालकता उस पदार्थ में मौजूद मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। अधिकांश धातुओं में काफी मात्रा में सुचालकता होती है। सुचालकता के कुछ गुण धर्म हैं। इनमें मुख्य हैं यांत्रिक रूप से कठोर होना, आसानी से उपलब्ध होना, सस्ते होना, तापमान वृद्धि होने पर कार्बन पदार्थ के अलावा प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। अब हम इंसुलेटर के बारे में जानेंगे। ऐसे पदार्थ जिसके माध्यम से करंट को सामान्य स्थितियों के अंतर्गत आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, उन्हें इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर में असाधारण रूप से उच्च प्रतिरोध क्षमता होती है। कुछ सामान्य इंसुलेटर हैं: शुष्क हवा, अभ्रक, शीशा, कागज, मोम, चीनी मिट्टी, कॉटन, रबड़ इत्यादि। पदार्थों को अच्छे इंसुलेटर बनाने के लिए उनमें विशिष्ट गुणधर्म होना आवश्यक है। इनमें उच्च विशिष्ट प्रतिरोध क्षमता होती है, उच्च पराविद्युत बल होती है। पराविद्युत बल को ब्रेकडाउन वोल्ट्स भी कहते हैं, जिसमें पराविद्युत की वोल्टेज भार वहन क्षमता होती है, उच्च तापमान वहन क्षमता होती है। अब हम अर्धचालक के बारे में जानेंगे। ऐसे पदार्थ जो ना तो अच्छे चालक होते हैं और ना ही अच्छे इंसुलेटर होते हैं, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। ऐसे पदार्थों में सुचालकता में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन संख्या की तुलना में बहुत कम मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। डायोड, ट्रांजिस्टर इत्यादि बनाने के लिए अर्धचालक का इस्तेमाल किया जाता है। अर्धचालक के कुछ उदाहरण हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन और बोरॉन।